के लघु सचिवालय में अनाज मंडियों में गेहूं के उठान की व्यवस्था चालू करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आगामी 1 अप्रैल 2021 से मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी, जिसके चलते जिला उपायुक्त द्वारा 22 जिले की मंडियों के टेंडर किए जा चुके हैं। उनके ठेकेदारों के साथ आज करनाल लघु सचिवालय में मीटिंग ली गई। इस दौरान ठेकेदार अशोक खुराना ने बताया कि जिला उपायुक्त द्वारा गेहूं की फसल के मद्देनजर जो आवश्यक उठान के कार्य होते हैं उसके लिए टेंडर दिए जा चुके हैं और समय पर उठान हो सके उसके बारे में जिला उपायुक्त द्वारा दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मंडियों में गेहूं आने के बाद ठेकेदारों द्वारा उठान का कार्य किया जाता है, जिसमें मजदूर व अन्य आवश्यक सामान की जरूरत ठेकेदारों को होती है। उसी को पूरा करने के उद्देश्य से आगे मीटिंग की गई है। उन्होंने कहा जिला प्रशासन की देखरेख में मंडियों में उठान का कार्य सुचारू रूप से गेहूं की फसल के दौरान किया जाएगा, किसी प्रकार की लापरवाही इस कार्य में नहीं की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे। गौरतलब है कि आगामी 1 अप्रैल से जिले की सभी मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उसी कड़ी में आज के ठेकेदारों के साथ मीटिंग की गई और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और उठान का कार्य समय पर किया जाए। आज जैसे कि हमारे जिले करनाल की श्रम एवं ढुलाई के और ट्रांसपोर्ट के टेंडर हुए हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। डीसी साहब ने बुलाया। तो कहाँ के टेंडर होंगे? पूरे जिले करनाल के अलग अलग सब साथियों डाल रखे हैं। किस चीज के लिए? श्रम एवं ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन, जो मंडियों में अनाज आना है उसकी ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बुलाया गया है। हमने टेंडर डाले थे। नया सीजन के हूँ नए सीजन के, तो आज क्या रहेगा? हाँ जी, आज आखिरी दिन है। नहीं, आखिरी दिन नहीं है। आज टेंडर के लिए नया सीजन लाई है, वो तो उसके बाद 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो हमारा वर्क है। खरीद शुरू 1 अप्रैल से कह रहे किस तरह को, अगर आई तो हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी काम होते हैं 1 अप्रैल से, लोडिंग का है। कितनी मंडियों का टेंडर? आज हमारे जिले करनाल की 22 मंडियां हैं, 22 मंडियों का टेंडर हो चुका है। नेगोशिएशन कोई विवाद तो नहीं है? कोई विवाद नहीं, किसी तरह से कोई कुछ नहीं, सब सुख शांति से है। शासन बड़ा इसमें इस तरह का है, पूरी देख रेख से अपने उसमें कर रहे हैं और बहुत ठीक कर रहे हैं, उसमें कोई बिल्कुल ठीक। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।